हर चीज नु खौफ है मौला, फिर केड़ी चीज है, केड़ी चीज है, केड़े लोग हैं ने, वो हस्तियां केड़ियां हैं ने जिन्हां नु किसी किस्म दा भी खौफ नहीं। चाहे सामने वक्त दा वजीर आजम बैठा होवे, चाहे सामने वक्त दा सदर होवे, चाहे सामने वक्त दा आईजी होवे, चाहे जो मर्जी हो जावे, चौधरी होवे, जो होवे, उन्हां नु किसी किस्म दा कोई खौफ है ही नहीं। मौला वो केड़े लोग ने, रब ताला फरमाने मेरा कुरान पाक खोल के पढ़ ले, तेनों पता चल जाएगा। जदों कुरान पाक को पूछे, कुरान पाक कहने पढ़ मैनू, जदों कुरान पाक पढ़ी जाए, कुरान पाक फरमाते अला इन औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम, खबरदार बेशक जेड़े अल्लाह ताला दे औलिया ने, जेड़े अल्लाह ताला दे वली हैं ने, उन्होंने किसी किस्म का कोई खौफ नहीं आता। चाहे दुनिया की जितनी वड्डी ताकत उन्होंने सामने आ जावे, चाहे दुनिया की जितनी वड्डी वड्डी कुवत उन्होंने सामने आके उन्होंने मुकाबला करे, चाहे जितनी वड्डी कुवत उन्होंने सामने आके उन्होंने डराए धमकाए, चाहे जो मर्जी कर देवे, छे छे महीने जेलों के अंदर बंद कर देवे, जुल्म और तशद्दुद करना शुरू हो जावे, फरमाया जो कुछ भी जालिम मर्जी कर ले, फरमाया जड़ा मेरा वली होएगा, जड़ा मेरा औलिया होएगा, जड़ा मेरा दोस्त होएगा, उन्हें किसी किस्म का कोई खौफ नहीं होएगा। आगे फिर फरमाया वला हम यहज़नून, उन्होंने जेड़े मेरे वली ने, जेड़े मेरे दोस्त ने, जेड़े मेरे मददगार हैं ने, फरमाया एक तो उन्होंने खौफ किसी किस्म का नहीं होता, फरमाया फिर उन्होंने किसी किस्म का गम भी नहीं होता कि जनाब मैं फलां बंदा आ जाएगा कि मैं कोई गल कर दिया कि मेरी नौकरी चली जाएगी, जनाब मैं नौकरी तो हाथ धो बैठागा। फरमाया नहीं, नौकरी जाती है तो जाए गल हक दी करेगा, अपनी ये नहीं कि जनाब हक दी गल होते जनाब नौकरी बजाएगा झूठ बोल देगा, ना ना, कोई दीन दे उते गल हो जाए डट के खड़ा हो जाएगा, ये नहीं कि जनाब फलां मेरे नाल मसला हो जाएगा, फलां मेरे नाल मसला हो जाएगा। फरमाया वो कुछ नहीं करेगा, दीन दे उते डट के खड़ा हो जाएगा, उस जालिम ते उस जाबिर का मुकाबला करेगा, और दीन के खिलाफ जड़ा बंदा भी आवाज़ नू बुलंद करेगा उसकी आवाज़ नू दबा देगा, और दीन मुहम्मदी के खिलाफ कोई भी गल करेगा उसकी उस गल नू जनाब ख़त्म कर देगा। फरमाया अगरचे उस चीज़ उत्ते उनका जो कुछ नुकसान हो जाए, उनकी जान चली जाए, उन्हें मालो दौलत चला जाए, उन्हें घर बार लुट जान, जो कुछ भी मर्जी हो जाए, फरमाया फिर उन्होंने हर चीज़ से जान का किसी किस्म का कोई गम नहीं आता। ऐसे वो लोग ने फरमाया कि मेरे वली होंदे ही होने जिन्होंने किसी किस्म का ना ही कोई खौफ होंदे और ना ही किसी किस्म का कोई गम होंदे। ये निशानियां अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर अपने वलियां दियां दसियां ने कि मेरे वली केड़े होंदे ने, उन्हां दियां निशानियां की ने, वो होंदे कौन ने, केड़ा केड़ा उन्हां दे निशानियां आउणगियां। मेरे आका करीम अलैहि सलातो सलाम ने वली दी निशानी दसी है, महबूब अलैहि सलातो सलाम ने फरमाया इज़ा रुऊ ज़िक्र अल्लाह, वली दी निशानी ये वे कि जदों भी उस अल्लाह दे नेक बंदे नू, अल्लाह दे वली नू वेख्या जाए, उन्हें कोई गलबात ना होवे, उन्हें कोलों कोई दलील ना मंगी जावे, उन्हें कोलों कोई मौजज़ा ना वेख्या जावे, कोई करामत ना वेखी जावे, सिर्फ उनकी चेहरा ही वेख्या जावे, सिर्फ उनकी ज़ियारत कर दी जावे। फरमाया उनका चेहरा वेखण दे नाल अगर तुहानू रब ताला याद आ जाए, फरमाया समझ लेना वह बंदा कोई आम नहीं बल्कि अल्लाह ताला दा वली है।